product of two numbers is 1500 and their HCF is 10. The number of such possible pairs, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? चलिए मान लेते हैं कि एक नंबर है x, वो कितना हो जाएगा 10 into a, क्यों? क्योंकि HCF क्या है, 10 है, तो 10 into a लिख सकते हैं, HCF into कोई और उसके बचे हुए फैक्टर्स। दूसरा नंबर है y, उसको लिख दिया हमने 10 into b, कोई भी नंबर क्या होता है, HCF into उसके बचे हुए फैक्टर्स, राइट? ओके, जैसे मान लो कि 4 और 6 है, मैं इसको लिखूंगा 2 into 2 और इसको लिखेंगे 2 into 3, दोनों का HCF क्या है 2, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, HCF into बचे हुए फैक्टर्स, 6 को क्या लिखेंगे, HCF इन दोनों का into बचे हुए फैक्टर्स, वही चीज हमने लिख दी HCF into बचे हुए फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब उसके अलावा उन दोनों नंबर में कुछ और कॉमन नहीं है, इसका मतलब A और B इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। अगर A और B में दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है तो इनका कॉमन फैक्टर A और B का, इस पूरे का X और Y का नहीं, A और B का, वो 1 हो गया। और जब भी दो नंबर का HCF 1 होता है उनको कोप्राइम बोला जाता है। कौन है कोप्राइम यहाँ पे? A और B, क्यों? क्योंकि A और B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे ये 2 और 3, इनमें HCF इन दोनों का 1 ही तो है। 4 और 6 का तो 2 हो गया, लेकिन जो फिर बच गए फैक्टर जिनमें कुछ कॉमन नहीं है वो कोप्राइम बोले जाते हैं। अच्छा, x और y का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, कितना 1500, x की जगह आप 10 ए लिखेंगे, y की जगह 10 बी इज इक्वल टू 1500, ये दो जीरो तो कैंसिल आउट हो गए, a इंटू बी 15 हो गए। अब दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट 15 है जिनमें HCF 1 है a और b में, तो a और b एक तो 1 और 15 का पेयर बन रहा है, 1 इंटू 15 कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 है, 3 इंटू 5 तो ये भी एक पेयर बन गया, तो दो पेयर अपने पास ऐसे पॉसिबल है।